हम सबको ये जरूर विश्वास है कि 2010 में हमारे पक्ष में निर्णय आया था और आगे भी हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। लेकिन जिस प्रकार से 2010 में बंटवारे का एक प्रश्न उठा और विभाजित कर दिया गया रामलला को, ठीक उसी प्रकार से 2017 चल रहा है और न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा तो है, माननीय न्यायालय का हम आदर भी करते हैं, लेकिन दूध का जला जो है छाछ भी फूंक कर पिया जाता है, ये कहावत है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा जो है तथ्य और जो एक अदालत मानती है कि जो है साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य हमारे पक्ष में है, तथ्य हमारे पक्ष में है, इतिहास तमाम इतिहासकार राम जन्मभूमि को सिद्ध करते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि हमारे पक्ष में ही इसका निर्णय आएगा, हमें विश्वास आएगा।